कली जिसका अर्थ है अंधकार का युग इंदो सौर मंडल के चक्र में पृथ्वी के चक्र में नहीं सौर मंडल के चक्र में ये 25,920 साल में एक चक्र पूरा करता है इसमें अगर आप इसे आधे में विभाजित करते हैं तो चार युग और चार युग होते हैं कुल मिलाकर आठ युग हैं दो कली और दो सत एक साथ आते हैं एक साथ जुड़े हुए दो सतयुग दो कलयुग। लेकिन दूसरे दो युग द्वापर और त्रेता युग कलयुग और सतयुग द्वारा अलग किए गए हैं अब ऐसा है हम जिस युग की बात कर रहे हैं वो सौर मंडल और उस महासूर्य के बीच की दूरी के कारण महत्वपूर्ण है जिसके चारों ओर सूर्य चक्कर लगा रहा है ये जितनी दूर जाता है यहां के प्राणियों की बुद्धिमत्ता उतनी ही कम होती जाती है तो कलयुग एक ऐसा दौर है जब दूरी सबसे ज्यादा होती है इस अधिकतम दूरी के कारण मानव बुद्धिमत्ता अपने सबसे निचले स्तर पर होती है और फिर जैसे जैसे ये करीब आने लगता है मानव बुद्धिमत्ता खिलने लगेगी वास्तव में वो यहां तक कहते हैं कि मानव प्रणाली में विद्युत और चुंबकीय बलों को समझने और उपयोग करने की क्षमता बेहतर होती जाएगी जैसे जैसे ये करीब आता है और कम होती है जैसे जैसे ये दूर जाता है आज आप जानते हैं कि आपकी बुद्धिमत्ता असल में आपके मस्तिष्क में न्यूरॉन्स की गतिविधि पर निर्भर करती है हाँ अगर आप मस्तिष्क की एक तरह की सिम्युलेटेड छवि देखें तो आप देखेंगे कि न्यूरॉन्स चारों ओर चटक रहे हैं क्या हम यह छवि दिखा सकते हैं क्या हमारे पास मस्तिष्क की छवि है ब्लू ब्रेन प्रोजेक्ट तो आप देखेंगे कि ये बिजली की तरह चटकता हुआ धड़क रहा है क्योंकि यह कितना विद्युत चार्ज ले सकता है वो तय करता है कि आप कितना अच्छा सोच सकते हैं कितनी स्पष्टता से सोच सकते हैं एक बात जो हाल ही में भौतिक वैज्ञानिकों ने कही है योग विज्ञान इसे लंबे समय से कहता आ रहा है भौतिक वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं वो कह रहे हैं कि उन भौतिक नियमों को देखते हुए जो सौर मंडल को नियंत्रित करते हैं उन्हें लगता है कि मानव मस्तिष्क के और अधिक विकास के लिए कोई जगह नहीं है ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर आप न्यूरॉन्स का आकार बढ़ाते हैं तो यह अधिक सक्षम हो जाएगा लेकिन इसके लिए बहुत अधिक बिजली की जरूरत होगी अभी जब आप यहां बैठे हैं तो 20 प्रतिशत ऊर्जा आपके मस्तिष्क में खर्च हो रही है 20 प्रतिशत कैलोरी अभी आपके मस्तिष्क में खर्च हो रही है बाकी 80 प्रतिशत आपके शरीर के इतने बड़े हिस्से के लिए 20 प्रतिशत सिर्फ यहां आपके मस्तिष्क में खर्च हो रही है क्योंकि मस्तिष्क आपके शरीर का बहुत ज्यादा ऊर्जा खर्च करने वाला हिस्सा है मान लीजिए आपका मस्तिष्क कितना बड़ा हो जाए तो आपको बहुत ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होगी उसे चलाने के लिए आपको बहुत बड़ा पेट चाहिए होगा मुझे पता है आप में से कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं यह उस तरीके से काम नहीं करता अगर आप अगर आप मस्तिष्क इतना बड़ा बना लेते हैं तो आप उसे बिजली नहीं दे पाएंगे अगर आप न्यूरॉन की संख्या बढ़ा देते हैं तो आप उतनी ही बिजली से बेहतर कर सकते हैं लेकिन अभी न्यूरॉन्स जिस तरह से पैक हैं, उससे ज्यादा अगर आप न्यूरॉन की संख्या को बढ़ाते हैं तो संकेतों की स्पष्टता खत्म हो जाएगी कई अति सक्रिय बच्चों के साथ ऐसा ही होता है उनके मस्तिष्क में न्यूरॉन की संख्या सामान्य से ज्यादा होती है वो प्रतिभाशाली होते हैं लेकिन हर जगह बिखरे हुए होते हैं वो ठीक से सोच नहीं पाते उनकी प्रतिभा झोंके में होती है लेकिन उससे कुछ नहीं निकलता क्योंकि स्पष्टता नहीं होती तो अगर आप आकार बढ़ाते हैं तो यह कारगर नहीं होगा अगर आप संख्या बढ़ाते हैं तो यह कारगर नहीं होगा तो वो कह रहे हैं कि भौतिक नियमों के अनुसार मानव मस्तिष्क का और अधिक विकसित होना संभव नहीं है लेकिन हम इसका बेहतर इस्तेमाल करना सीख सकते हैं अभी जिस तरह से लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं वो बहुत ही औसत दर्जे का है देखिए ये एक इलेक्ट्रिक चार्ज है तो मस्तिष्क का आकार बढ़ाना या न्यूरॉन्स की संख्या बढ़ाना संभव नहीं है तो इस वजह से वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि मानव बुद्धिमत्ता को बढ़ाया नहीं जा सकता लेकिन बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है अभी जिस तरह से हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं वो बहुत ही औसत दर्जे का है इसके इस्तेमाल के तरीके को अगर आप ज्यादा परिष्कृत करते हैं तो आप अपनी मस्तिष्क शक्ति को बढ़ा सकते हैं वो कह रहे हैं अभी की तुलना में लगभग तीन हजार गुना जिस तरह से आप अभी हैं उससे तीन हजार गुना अधिक बुद्धिमान होना अविश्वसनीय होगा है ना? तीन गुना ज्यादा ही जबरदस्त बात होगी <laughs> तो हम इसे बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना सीख सकते हैं लेकिन हम इस मस्तिष्क को अधिक विकसित नहीं कर सकते क्योंकि भौतिक नियम इसकी इजाजत नहीं देते योग विज्ञान ने बहुत पहले ही ये कह दिया था कि मानव बुद्धि और मानव शरीर को और विकसित नहीं किया जा सकता क्योंकि भौतिक नियम भौतिक नियम अपनी सीमा तक पहुंच चुके हैं क्योंकि जिस तरह से पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है और जिस तरह से चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है हम इन सब चीजों की सीमा तक पहुंच चुके हैं मानव शरीर उस क्षमता तक पहुंच चुका है ये और आगे नहीं जा सकता लेकिन साथ ही योग विज्ञान एक बार फिर कहता है कि इसे इस्तेमाल करने की आपकी क्षमता को बढ़ाया जा सकता है कई तरह की चीजें करके हमने अभी जिन चीजों के बारे में बात की उनमें से एक है ब्रह्मचर्य यानी आप सिस्टम में उस तरह की ऊर्जा पैदा कर सकते हैं जो अगर आपके पास दस मस्तिष्क हो तब भी वो उसे चला सकती है अगर आपके पास 25 मस्तिष्क हों, तो भी वो उसे चला सकती है आप यहां बैठकर अपने आसपास बैठे 1000 मस्तिष्कों को चला सकते हैं कुंडलिनी को ऊपर उठाकर और जरूरी ऊर्जा पैदा करके अपनी ऊर्जा को पूरी तीव्रता में लाकर आप चाहें तो 1000 मस्तिष्कों को ऊर्जा दे सकते हैं इसमें इतनी ऊर्जा है तो हमने कहा यह वो ऋषि हैं जिन्हें है ऐसे लोगों के रूप में बताया जाता है जिनके पास एक हाथ दस हजार हाथ थे क्यों ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि दस हजार आदमी जो कर सकते थे वो एक आदमी कर रहा है कई मायनों में आधुनिक तकनीक बस यही दर्शाती है लेकिन आंतरिक तरीके से एक इंसान इस तरह हो सकता है कि उसकी बुद्धिमत्ता एक हजार या दस हजार या दस लाख लोगों को शामिल कर सके क्योंकि सिस्टम के भीतर अधिक कुशल ऊर्जा पैदा करने का एक और तरीका है वैज्ञानिक इस पर गौर कर रहे हैं कि शरीर अपनी सामान्य स्थिति में कैसे ऊर्जा पैदा करता है और वो कह रहे हैं अगर आपका मस्तिष्क थोड़ा बड़ा हो जाए तो आप इसे जरूरी ऊर्जा नहीं दे पाएंगे लेकिन ऊर्जा पैदा करने के दूसरे तरीके हैं और आपको बड़े मस्तिष्क की जरूरत नहीं है आपको ज्यादा न्यूरॉन्स की जरूरत नहीं है आपको ज्यादा ऊर्जा की जरूरत है अगर आपके पास ज्यादा ऊर्जा ज्यादा परिष्कृत ऊर्जा होती तो आप देखते देखिए अगर आपको इस हॉल को रोशन करना होता तो एक समय था जब हम 5000 हजार वॉट के बल्ब इस्तेमाल कर रहे थे आज आप 100 वॉट का हेलाइट इस्तेमाल करते हैं और यह रोशन है अब इस हॉल को हमारे एक साधक वो इसे अमेरिका से हमारे पास भेज रहे हैं वो बहुत शक्तिशाली एलईडी लैंप बनाते हैं यह बल्ब 12 वोल्ट के हैं ठीक है 12 वोल्ट के बल्ब यह पूरे हॉल को रोशन करेंगे बस पांच साल पहले इसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी 12 वोल्ट के बल्ब से आप इतने बड़े हॉल को रोशन करने जा रहे हैं पर हम ऐसा करने जा रहे हैं तो बहुत कम बिजली से हम चीजों को रोशन कर रहे हैं क्योंकि जिस तरह से हम बिजली का इस्तेमाल करते हैं और जैसे ये काम करता है उसमें सुधार इसे इस्तेमाल करने की हमारी क्षमता को बढ़ा देता है जो बात एलईडी लैंप के लिए लागू होती है वो निश्चित रूप से मानव शरीर और मस्तिष्क के लिए भी लागू होती है तो योग लगातार इसी की खोज कर रहा है तो कलकी को युग का अंत करने के लिए आना है अंधकार के युग का अंत करने के लिए आना है देखिए समय की प्रकृति ऐसी है कि किसी को इसे शुरू करने की जरूरत नहीं है किसी को इसे खत्म करने की जरूरत नहीं है यह वैसे भी गुजरता जाता है आपके जीवन में चाहे कुछ भी ना हो लेकिन समय बीत जाएगा है ना ये एक ऐसी चीज है जिसकी आपको गारंटी दी जा सकती है अगर आपको कोई वरदान मिल जाए और आप अमर हो जाए तो आप अमर हो भी सकते हैं लेकिन आप समय को गुजरने से नहीं रोक सकते है ना तो किसी को न तो युग की शुरुआत करने की और न ही युग का अंत करने की जरूरत है बात बस इतनी है कि उन्होंने कहा कल की आएंगे एक सफेद घोड़े पर सवार पंख वाले तो अगर घोड़े के पंख हैं तो वो काम का नहीं है घोड़े के पास अच्छे पैर होने चाहिए नहीं क्या मैं कुछ गलत कह रहा हूं घोड़े <laughs> के पास चार अच्छे पैर होने चाहिए तब वो एक बढ़िया घोड़ा होगा जिस घोड़े के पंख हैं वो घटिया घोड़ा है आया ना तो जाहिर है वो सफेद घोड़े के बारे में रूपक के तौर पर बात कर रहे थे न कि एक वास्तविक घोड़े के रूप में यह बात प्रतीकात्मक है कि उजाला आएगा जब युग बीत जाएगा तो अंधकार चला जाएगा और उजाला आएगा और वो अंधकार को मिटा देगा अगर आप अगर हॉल में अभी अंधेरा है अगर मैं बल्ब जला दूं तो क्या वो अंधेरे को मिटा देगा जो चीज रूपक में कही जाती है बोलचाल की भाषा में कही जाती है उसे मूर्ख विद्वान या शोषण करने वाले लोग बीच में पूरे काले और सफेद तथ्यों में बदल देते हैं मनगणंत तथ्यों में यह एक रूपक अभिव्यक्ति है जैसे जैसे सौर मंडल आगे बढ़ता है वो एक अंधकार वाले चरण में जाता है और जब वो बाहर निकलता है प्रकाश आ जाता है ये, ये हम पर बरसेगा अगर आप ना भी चाहें अचानक आपका मस्तिष्क छिटकने लगेगा और बेहतर तरीके से काम करेगा क्योंकि आप एक अलग युग में चले गए हैं जैसा कि हम कल कह रहे थे आज भी यहां तक कि कॉमिक बुक में भी एक बच्चे के दिमाग में भी मेरी बुद्धि ने काम किया का मतलब प्रकाश है हाया ना क्या ऐसा नहीं है मुझे एक उज्जवल विचार आया उज्जवल विचार अंधकार में विचार नहीं आप समझे क्योंकि बुद्धिमत्ता को इंसान ने हमेशा प्रकाश से जोड़ा है तो शास्त्रों में कहा गया है एक बार जब सौर मंडल इससे बाहर निकल जाएगा तो चमक पैदा होगी इसे बहुत सुंदरता से व्यक्त किया गया है अलग अलग युगों में लोग बुद्धि के अलग अलग आयामों संचार के विभिन्न आयामों का उपयोग करते हैं सतयुग में मन अधिक महत्वपूर्ण होगा मन बुद्धि नहीं मन अधिक महत्वपूर्ण होगा शायद ये इकलौती संस्कृति है जहां हम मन और बुद्धि के बीच अंतर करते हैं आज आधुनिक विज्ञान ने पिछले एक दशक में ऐसा करना पहली बार शुरू किया है वरना मन बस एक चीज थी तो मन मुख्य साधन होता है संचार और जीवन के लिए यानी अगर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं तो मुझे माइक्रोफोन की जरूरत नहीं है न ही इस तरह आप पर चिल्लाने की मेरे इसके बारे में सोचने से ही आप समझ जाएंगे सतयुग में लोग कभी कभार ही बोलते थे क्योंकि मन ही संचार का साधन था जो कुछ भी किया जाना था वो बस मानसिक रूप से किया जाता था क्योंकि ये पूरा मानसिक रूप से किया जाता था वो कहते हैं कि गर्भाधान भी मानसिक रूप से हुआ उन्होंने इस हद तक कहा कि तब कोई शारीरिक गर्भाधान नहीं था वो मानसिक रूप से होता था फिर वेन दे मूड इंटू जब वो त्रेता युग में पहुंचे तो आंखें महत्वपूर्ण हो गई तो आप देखेंगे जब जीवन त्रेता युग में आया तो त्रेता युग में रहने वाले लोगों की भाषा में बात हमेशा इस तरह होती थी भारत में बुनियादी अभिवादनों में से एक था मैं आपको देख रहा हूं मेरे ख्याल से हाल ही में एक हॉलीवुड फिल्म अवतार ने इसे बहुत लोकप्रिय बनाया आई सी यू इस देश में बुनियादी अभिवादन था मैं आपको देख रहा हूं ठीक है देख रहे हो तो क्या करें नहीं ऐसा नहीं है मैं आपको देख रहा हूं का मतलब है आपको देख रहा हूं पूरा आर पार तो त्रेता में लोगों ने अपनी आंखों का इस्तेमाल शक्तिशाली ढंग से किया इसे नेत्र स्पर्श कहा जाता है कि आप अपनी आंखों से किसी को छू सकते हैं जब ये और नीचे गया तो सांस बहुत महत्वपूर्ण हो गई हमने पहले भी यह देखा शायद आज सुबह या कल कि जहां भी जीवन ऊर्जा बहुत अधिक होती है वहां आप देखेंगे कि आपकी गंध की इंद्रिय बहुत प्रबल और संवेदनशील हो जाती है जंगल में आप यह देखेंगे कि आपकी गंध की इंद्रिय आपके आंखों कानों और आपके मस्तिष्क से अधिक महत्वपूर्ण होती है ऐसे जानेंगे वाकई उससे आप जान सकते हैं कि व्यक्ति के साथ क्या हो रहा है इस मायने में कुछ महीने पहले एक महीने पहले आश्रम में एक मेहमान के स्वागत का हमें सौभाग्य मिला जो एक किंग कोबरा है अब वो अपनी जीप का इस्तेमाल आपको दूर से चखने के लिए करता है आप जो हैं, उसकी केमिस्ट्री वो जानता है वैसे मैं और कुछ ब्रह्मचारी उसे संभाल रहे हैं तो वो पालतू कोबरा जैसा दिखता है हम उसके साथ खेल रहे हैं लेकिन वो पालतू नहीं है वो जानलेवा है अगर वो वो बहुत तेजी से रेंग सकता है और अगर वो आपको काट ले तो आपके पास सिर्फ आठ से दस मिनट ही होंगे तो आपके पास सिर्फ आठ से दस मिनट होते हैं वो आपको बस इतना ही समय देता है वो जानलेवा है उसमें हाथी को मारने के लिए पर्याप्त विष है लेकिन हम उसके साथ सहज हैं क्योंकि हम ये जानते हैं कि अगर आप अपने सिस्टम में गलत केमिस्ट्री नहीं बनाते हैं तो वो आपके साथ सहज रहता है कोबरा एकमात्र ऐसा जीव है जो आपकी केमिस्ट्री के प्रति इतना संवेदनशील है सभी मांसाहारी जानवर और लगभग सभी जंगली जीव आपकी केमिस्ट्री के प्रति संवेदनशील होते हैं लेकिन खासकर सांप बहुत संवेदनशील होता है आप जंगल में जाकर इस तरह से एक वैशाली सांप को उठा सकते हैं सिर से या ऐसे पकड़ने की जरूरत नहीं है बस यूं ही अगर आप पूरी तरह से सहज हैं तो वो आसानी से आ जाएगा अगर आप थोड़ी सी भी चिंता दिखाते हैं अगर आपकी केमिस्ट्री में थोड़ी सी भी चिंता थोड़ा सा भी डर है तो बस वो आप पर झपट पड़ेगा क्योंकि उसे तुरंत पता चल जाता है कि आपके सिस्टम में क्या हो रहा है तो इसका बोध वो एक खास तरीके से कर रहा है योगी हमेशा अपने साथ एक नाग रखते हैं और शिव भी अपने साथ नाग रखते हैं उसका कारण यह है कि इस धरती पर उपलब्ध जीवों में से नाग के चारों ओर सबसे अधिक मात्रा में ईथर आभा होती है इसका मतलब है कि उसका बोध असाधारण है तो बोध के लिए यह खास जीव सहायक है और उसका बोध कुछ ऐसा है जिसके आगे सभी योगी झुकते हैं क्योंकि उसका बोध अधिकांश मनुष्यों से भी बेहतर है क्योंकि वो अपने चारों ओर ईथर आभा पैदा करता है तो आप कहानी में देखेंगे कि कई जनजातियां हैं जो खुद को नागा कहती हैं उनके पास से खास मात्रा में ईथर आभा पैदा करने के लिए आवश्यक साधना है ताकि वो उसका बोध कर सकें जो दूसरे नहीं कर सकते क्योंकि आप सिर्फ वही जानते हैं जिसका आपको बोध है बाकी सब बकवास है हां चाहे वो मेरे द्वारा कहा गया हो किसी भगवान के द्वारा कहा गया हो या किसी शास्त्र में लिखा हुआ हो लेकिन जब तक आपको उसका बोध नहीं है वो सब बकवास है बोध के ये आयाम मानसिक बोध दृश्य बोध और गंध द्वारा बोध और अब जब कलयुग की बात आती है तो मनुष्य पूरी तरह से बोलकर संचार करने वाला बन जाता है उसका मुंह सबसे बड़ी चीज बन जाती है तो आपको यह समझने की जरूरत है सौर मंडल इस तरह युगों से गुजर रहा है अगर आप इसके साथ तालमेल में हैं तो आप भी इन युगों के साथ चलेंगे अगर आप उनसे ऊपर हैं तो आप जहां चाहे वहां हो सकते हैं अगर आप अपनी ही चीजों में उलझे हुए हैं तो पृथ्वी सतयुग में हो सकती है और आप अपने कलयुग में हो सकते हैं तो हर व्यक्ति के पास यह आजादी है कि वह युग से परे हो जाए या युग द्वारा रौंदे जाए या युग की उसके साथ सवारी करे तीनों संभावनाएं मौजूद हैं तो कली या कलयुग का अंत कलकी को सफेद घोड़े पर उतरना होगा पंखों वाले अपने लिए पंखों वाला घोड़ा मत लीजिए अपने लिए पैरों वाला घोड़ा लीजिए यह हास्यास्पद है है ना लेकिन इसे रूपक अलंकार की तरह कहा गया था क्योंकि प्रकाश या बुद्धिमत्ता जरूरी नहीं कि आपसे ही आए वो एक स्वर्गिक संभावना के कारण आ रही है क्योंकि सौर मंडल उस चरण से बाहर निकल रहा है तो आपकी बुद्धि प्रकाशवान हो जाएगी और प्रकृति की ओर से एक उपहार है यह आप पर बरस रहा है यह दिव्य उपहार है चूंकि ये एक दिव्य उपहार है और कुछ नक्षत्र हैं जिन्हें उड़ते हुए घोड़े के रूप में देखा जाता है आप ये जानते हैं तो कुछ नक्षत्र हैं जिन्हें उड़ते हुए घोड़े के रूप में दर्शाया जाता है उन्होंने कहा यह आप में उतरेगा और आपके अंधकार को नष्ट कर देगा अगर आप अंधकार को नष्ट करना चाहते हैं तो किसी को घोड़े पर उड़कर नीचे आने की जरूरत नहीं है अगर आप बस एक छोटी सी लाइट जला दें, तो अंधकार नष्ट हो जाता है अंधकार सबसे नाजुक चीज है लेकिन लोग इससे भी छुटकारा नहीं पा सकते क्योंकि वो गलत तरीके अपना रहे हैं मान लीजिए हम लाइट बंद कर देते हैं और अंधेरा हो जाता है और आप तय करते हैं मान लीजिए ये हॉल गंदा है अगर मैं आपसे कहूं इसे साफ करो आप सब बड़े उत्साह के साथ जाते हैं तो शायद पंद्रह मिनट में आप हॉल को साफ कर सकते हैं अब हॉल में अंधेरा है तब मैं आपसे कहूं इस कंबक अंधेरे को बाहर निकालो अगर आप सब बड़े उत्साह के साथ जाते हैं मरते दम तक भी अगर आप कोशिश करें तो भी यह नहीं जाएगा लेकिन अगर आप एक लाइट जला दें, तो यह चला जाएगा यही अंधकार की प्रकृति है इसीलिए एक उड़ते हुए घोड़े पर एक प्रकाशवान प्राणी नीचे आया और अंधकार को दूर कर दिया पर ऐसा नहीं होगा अगर आपने अंधकार को पकड़कर रखा है